बिग बॉस 11 के सबसे रोमांटिक कपल पुनीश और बंदगी तो आपको याद ही होंगे भाई, काफी ज्यादा चर्चाएं जो उन्होंने बिग बॉस सीजन 11 में बटोरी है। हाल ही में मीट ब्रदर्स ने एक गाने को लॉन्च किया है जिसका नाम है लव मी ऑन कैसिनो बार, जहां पे पुनीश और बंदगी की बेहद ही खूबसूरत केमिस्ट्री को भी देखा गया। तो वहीं यहां पे उनके लॉन्च पर पहुंची बिग बॉस की ही कंटेस्टेंट और विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे, जहां पे विकास के बारे में जब शिल्पा से पूछा गया तो शिल्पा ने और पुनीश ने भी विकास की जमकर खिंचाई की। जी हाँ, क्या कुछ उन्होंने कहा देखिए आप हमारे इस वीडियो में। भाई ये दोनों ने बीबी 11 में हमारा बहुत दिल जीता, बहुत मजा आया इनका प्यार देख के। बीबी में कभी लगता है कि प्यार चलेगा नहीं, लेकिन इनका प्यार देखो अभी तक फुल ऑन चल रहा है। ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, इसने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया सब कुछ, हमें एक एक चीज डालेंगे। बिग बॉस 11 हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। Thank you, sir. We are very happy. I love the song. Thank you. You like the song? I loved it. They both We loved your song. God bless. Superb. Thank you, Amazing sir. Amazing couple. And now we leave you all with BB 11 people. Tino. Thank you. Aap ja rahe ho? Boliye. Good night. Bye. Love you. Khana nahi khayenge? Arshi ji? Kya? Kya? Hello. Kya? Koi baat nahi. BB 11 hai na? Shub shub. Shub shub. मिक्स मत करो, मत बोला नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विश इन दोनों को ऑब्वियसली, अभी मुझे बीच में ही खड़ा कर दिया ऐसे, माँ वाला वापस इफेक्ट आ रहा है मुझे। देखो माँ तो किसी की, मेरी तो बहन है, और माँ बहन करने में बहुत आगे हूँ ये सब। बहन भी मत बोल तू। नहीं चिल्पा, मुझे इसको देख के रोना आ रहा था, जैसे कि आई सामने चिल्पा। एक्चुअली हम लोग रोज मिलते हैं ना, इसीलिए ये दोनों बिजी होते हैं। सलमान भाई के साथ 10 के दम पे जा रही है, उसका जवाब ये है कि ये दोनों बिजी है। ओके, बिजी लविंग ऑलवेज, ऑलवेज ब्लेसिंग्स फॉर देम। हां, नहीं नहीं, ऑलवेज ब्लेसिंग्स रहेंगे। और ऑब्वियसली जैसे बीबी 11 में बोलते थे इन दोनों के लिए, तो उसके वजह से और भी ज्यादा खुशी हो रही है दोनों के लिए। तो पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है शिल्पा को देख के इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद। हाँ कसम से। हाँ, और पूछिए और बोलिए। आपने सॉन्ग देखा है तो कैसा लगा, जैसे बिग बॉस की केमिस्ट्री थी ऑपरेशन वाले? वही बिग बॉस की केमिस्ट्री मैंने ऑन स्क्रीन नहीं देखी थी ना, तो अभी मैंने ऑन स्क्रीन वो तो हम छुप छुप के करते थे ना। हम लोगों को नहीं पता शिल्पा के जाने के बाद, छुप छुप के, हेलो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, 150 कैमरा छुप छुप के सी देखो। तो अच्छा, पूरे वो हिंदुस्तान के लिए था, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए हम थोड़ी बहुत बिचिंग कर लेते थे, अच्छा क्या चल रहा है, हाँ क्या हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। मैंने देखा गाना, बंदगी एज यूजुअल लुकिंग वेरी हॉट, एंड पुनीश एज यूजुअल तेरा भाई के रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हैं तेरे भाई मैं भी दम मैं। ऑफ कोर्स बोथ आर लुकिंग नाइस। नहीं, शादी वादी की बकवास बात मत करो। शादी क्या होता है, शादी वादी कुछ नहीं। शादी आई थिंक एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक साल भर का, बस इनफ। हाँ, और मेरे ख्याल से मैं इन्हें सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहूँगी दोनों को, सीरियसली टुगेदर। यस यस, दोनों का, हाँ दोनों को सिल्वर स्क्रीन पे देखना है, बाकी शादी वादी की बात छोड़ो। अच्छा, आप तीनों से ही जानना चाहेंगे विकास, क्या आप तीनों भी शादी नहीं करेंगे? क्या वो सांप ठीक है? कुछ तो लोग, मेरे बाबा ने गाना सिखाया था मुझे, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में
कहीं मर ना जाए एनाकोंडा. आई होप सांप ठीक है. नहीं नहीं नहीं, जो भी जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमारे बेस्ट विशेस हमेशा है. तो कोई किसी से कुछ बैर नहीं. ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर था. अच्छा लगा. जोड़ी अगर चाहती हो कि इस बार कोई पार्टनर बनके जाए इस सीजन में तो कौन होगा? पुनीश और बंदगी जाएंगे और कौन जाएगा पार्टनर बनके? दोबारा अंदर के बोलेंगे बिग बॉस सीजन ही बंद कर दो अब. बहुत हो गया. हां मतलब पार्टनर बनके जोड़ी जाना चाहे. आई डोंट थिंक आई एम जाएंगे. कौन होगी, कौन से कपल होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? From the ex Big Boss. ये पुनीश और शिल्पा शिंदे भाई बहन. हाँ वोट लगा देंगे शिल्पा. कौन जाना चाहिए? तुम शिल्पा को जाना चाहिए किसी के साथ? जोड़ी जोड़ी कौन जाना चाहिए वो तो आप लोगों को पता है. किसके साथ जाना चाहिए शिल्पा? जोड़ी किसके साथ? मेरी तो जोड़ी बहुत लोगों के साथ अंदर बहुत अच्छी बनी थी. एक ही लोगों के साथ है. कौन अभी? ये कौन है? ये रहा तेरा भाई. प्लीज. अरे बाप रे. शिल्पा जी, हिना खान की कसौटी जिंदगी में कोमलिका का रोल करने जा रही है. क्यों आप लोग मेरी बैंड बजाना चाहते हो? मैं पुनीश बंदगी के लिए आई हूँ. ये कौन से क्वेश्चन है? तुम बाद में मिलो मुझसे. इसको बहुत पकड़ के मारेंगे. दस कदम में कैसा रहा सलमान? ये ना बात. सुपर सुपर. आपने किया वहाँ पे नहीं, ये सैटरडे टेलीकास्ट हुआ और आई होप मुझे लगता है कि रास्ते पे बिल्कुल ट्रैफिक ही नहीं था. पता पूरा खाली रोड था. सब लोग दस कदम देख रहे थे. सबको दस कदम देखना है. 8 बजे से ही लोग अपने घर पे चले गए थे और सब घर पे थे तो सोचो कैसा होगा. आई होप केयर पे अच्छा है. अच्छा, करण पटेल ने आपको घर में भी काफ़ी सपोर्ट किया था, वहाँ किस तरह का रहा? हाँ, एक्चुअली सरप्राइज़ ये था कि करण पटेल वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन करण पटेल जी जो डबल अमाउंट एक्चुअली वो जो अमाउंट जीते थे उन्होंने उसकी आधी अमाउंट मुझे दी. क्या बात कर रहे हो? मुझे मतलब मैं जिस स्कूल को डोनेट कर रही हूँ. हाँ, मैंने मजाक में बोल दिया ऊपर का थोड़ा बहुत दे दो. मेरे तो 2 लाख दिए नहीं. कौन से? वो जो हम रोज शर्ट लगाते थे. आज ये जाएगा 2 लाख. आज बॉस 12 आ रहा है, 11 भूल जाओ. ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी शिल्पा शिंदे कहाँ पर देखेंगे? ओ, स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. नहीं कुछ नहीं है फिलहाल. है तो कोई काम दे दो. शिल्पा शिंदे दिखेंगे आपको. शिल्पा शिंदे आपको एक नई मूवी में दिखेंगे बहुत जल्दी. कुछ भी नहीं. रागी तो मराठी, कोई मराठी मूवी देखने वाले हैं जल्दी. मराठी फिल्म कर रही है. हाँ 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 कर रही हूँ ना, तो वो एकदम आएगा धमाका. आई होप. थैंक यू. थैंक यू सो मच. शिल्पा जी कुछ रुकेगा 2 मिनट? फोटो अभी तक नहीं हुआ. भेजता उधर को इनवाइट भेजता होने के बाद. थैंक यू. अच्छा, अभी एक सब करना पड़ेगा और एक ही क्वेश्चन करेंगे कि लॉन्च पे हम आए क्या. व्हाटएवर व्हाटएवर. ठीक है, रेडी? हमने क्वेश्चन पूछ ही लिया अभी. हां भाई भाई. वेल, आज मैं पुनीश और बंदगी का नया गाना लॉन्च हुआ है लव मी, उसके लॉन्च पे हूँ. यस यस. तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज द कपल इज लुकिंग सिजलिंग एंड वेरी वेरी हॉट. बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों. एंड ऑफकोर्स वी नो मीत ब्रदर्स ऑल्सो बहुत टाइम से एंड देयर म्यूजिक इज ऑलवेज वेरी गुड. सो ओवरऑल द सॉन्ग इज वेरी नाइस एंड इट्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ लॉन्च लाइक दिस. आई थिंक कुछ बचा नहीं बोलेंगे बट फिर भी. बट लाइक वंस अगेन बंदगी एंड पुनीश स्पेशली दे लुकिंग रियली रियली नाइस. बहुत ही हॉट गाना है एंड खुशबू ने गाया बहुत अच्छा है. एंड म्यूजिक का जो एक ड्रॉप है मतलब टेक्निकली बात करो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. एंड आई एम ग्लैड फॉर पुनीश एंड बंदगी दैट डूइंग अ सॉन्ग लाइक दिस टुगेदर. एंड फॉर देम ऑल्सो मी ब्रदर्स उनका चैनल का एक आई थिंक सेकेंड गाना है. सो इट्स यू नो आई विश देम गुड लक एंड मे दिस यू नो सॉन्ग डू रियली वेल फॉर देम. ओके सुयश, आपका कब हम देख सकते हैं एल्बम का? अरे अभी तो आया, नहीं है? 8 दिन पहले तो आया गाना. मैंने जिन्होंने नहीं देखा प्लीज गाना है इसका नाम है बॉब मारले हम ना मारे. प्लीज वो गाना देख लो और आज ही जाके यूट्यूब करना. एंड वी वांट हिट्स, वी विल सी कि तुम लोगों ने सबने किया कि नहीं. गिन लो बेबी कितने व्यूज बढ़ने चाहिए. 10. सोच ले वापस गिना. 10 10 का मतलब 100 व्यूज होने चाहिए आप लोगों से. आगे भी तो भेजेगा. बॉब मारले इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. प्लीज गो वॉच इट. इट्स अ मतलब दिनचैक नंबर है. सो जस्ट वॉक. कैसे नहीं देखा? आई डोंट बिलीव. हम यहाँ गाना प्रमोट नहीं कर सकते. हाँ नहीं, क्यों नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं. बोलो कौन बोल रहा था, कहीं से आवाज आ रही है? या ये थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आप भी बनना चाहते हैं
एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।